हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो हम कर रहे थे गाइस सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें बाइनरी नंबर के भी क्वेश्चन है, और लो जो आपका लॉगरिथमिक चैप्टर है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है 14 ईयर की, उसका सोल्यूशन हम कर रहे थे, है ना। तो इस चैप्टर में आपको सेट्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बाइनरी के भी मिल जाएंगे, और लॉगरिथमिक चैप्टर के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 है ये हमारा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। एंड गाइस, सभी बच्चे यार, सभी जितने भी देख रहे हो ना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर कॉमेंट कर देना। पहला ही क्वेश्चन मैदान में आ चुका है, और पहला ही क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक सेट ए गिवन है, ए गिवन है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 3 दिए हुए हैं ए बी सी। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? ए के टोटल कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे? तो हमें पता है कि प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n-1। तो 2^3-1, 8-1 मतलब 7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया भाई लोग का क्वेश्चन, क्या बात है, 142 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये दे रखा है अपने को लोग 2, ठीक है, और यहाँ दे रखा है लोग जिसका बेस 3 है, और 81, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3^4, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा लोग 2 मतलब बेस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 log 3 जिसका बेस भी क्या हो, 3। प्रॉपर्टी होती है कि लोग ए जिसका बेस भी ए हो तो वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ बचा मेरे पास लॉग 4 जिसका बेस 2। अब 4 को क्या लिखूंगा, अगेन मैं लिखूंगा इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा, बेस 2 है, ये 2 क्या आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 2 जिसका बेस 2, अगेन ये क्या हो गया 1, तो पीछे बचा क्या 2। ऑप्शन नंबर ए क्या आया, करेक्ट आंसर। बात खत्म, खलास हो गया भाई। ओहो, 143 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले बता रहा हूँ, इस बार एनडीए पार कर दो, 4 डालना भाई एग्जाम में। ये कहता है 5 इज ए नल सेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो भाई, 5 क्या है, नल सेट। नल सेट को एक तो 5 से डिनोट करते हैं, और एक खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो 5 जो है वो इक्वल होगा खाली करली ब्रैकेट के, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। बाकी और किसी चीज से नल सेट को डिनोट हम नहीं करते हैं, नल सेट को हमेशा या तो 5 से डिनोट किया जाता है, या खाली करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है आउट ऑफ 500 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, 260 पास्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 210 पास्ड इन सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो ए को मैं फर्स्ट सेमेस्टर मान लेता हूँ, कितने, 260 फर्स्ट सेमेस्टर में हुए। बी को मैं सेकंड सेमेस्टर मान लेता हूँ, 210 जो है वो सेकंड सेमेस्टर में पास हुए, 170 डिड नॉट पास इन आइदर सेमेस्टर, 170 जो है वो किसी भी सेमेस्टर में पास नहीं हुए। हाउ मैनी पास्ड इन बोथ सेमेस्टर, आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सेमेस्टर में पास हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। अब ये 170 है वो बहुत ही नलायक है भाई, जो किसी में भी पास नहीं हुए, कोई बात नहीं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500, टोटल कितने हैं 500 है, 500 में से 170 ऐसे हैं जो ना ही तो फर्स्ट में पास हुए हैं, और ना ही वो सेकंड में पास हुए हैं, किसी में पास नहीं हुए। तो 500 में से 170 को माइनस कर देते हैं, तो 500 में से 170 को माइनस कर दिया, यह आएगा 0, यह आएगा यहाँ पे मेरे पास 3, और यह आएगा 3। 370 ऐसे हैं जो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए हैं, या सेकंड सेमेस्टर में पास हुए, मतलब पास हुए हैं। पास होने का मतलब है कि ये अपने को दे रखी है यूनियन, कितना, 330। और बोथ निकालना है, बोथ का मतलब आपको निकालना है इंटरसेक्शन, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, ए प्लस में बी माइनस में यूनियन, चक दो फट्टे भाई, 260 प्लस में 210 और माइनस में 330, ठीक है। ऐड करोगे इनको तो ये हो जाएगा 470 माइनस में 330, तो ये आ जाएगा 0, 4, 1, 140। तो 140 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर? देखो, ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद वाली टर्म आगे लिख लेते हैं, 0.001 लिख लिया, और यहाँ लिखेंगे 10111, ये लिया हुआ है, तो
ये आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ लिख दो 2 की पावर 4। और पॉइंट के बाद क्या आएगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। देखो गाइज, इन दोनों की अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो यह आएगा 1/8, प्लस में इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 1/4, सॉरी, और इनटू में ये 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में ये 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये कितना आएगा 1, प्लस में ये 0, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 4, प्लस में ये कितना आएगा 8, और प्लस में क्या आएगा 16। ऐड करो गाइस, ठीक है, 12 और 4 20, 20 और 8 28, और 1 29, तो ये बना 29। पॉइंट 1/8, तो 1 डिवाइड बाय 8, तो 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा 0.0 लगाएंगे, फिर गया 1 पे तो यहाँ आया 8, फिर 2 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे, फिर गया 2 पे 16 आया, 4 आया, फिर 0 लगाएंगे तो 8 5 40, मतलब 5 पे गया, तो यह आया 29.125। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि यू अपने को एक सेट दे रखा है, एक्स किसको बिलोंग करता है, एन को, एन यहाँ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब यू के अंदर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यू के अंदर एलिमेंट आने वाले हैं। एक सेट ए दे रखा है, ए अपने को क्या दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है। एक सेट बी अपने को दे रखा है, बी अपने को दे रखा है 2 3 6 10 दे रखा है। देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालते हैं, तो ए में से बी माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो ए में से 2 गया और 3 गया, तो बचा क्या 1 और 4, तो यहाँ आएगा 1,4। अब 1 इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में 1,4 को डिलीट मार दो, 1,4 को डिलीट मार दिया, पीछे बता 2 3 5 6 7 8 9 10, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो 2 3 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो बड़ा गरीब सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था यार। आगे चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन पे। लेट ए, ए क्या दे रखा है, इसमें एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल 100। अच्छा, इसमें क्या है, एक्स एलिमेंट आएंगे और वो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 आएगा, फिर आगे 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, उसके बाद 9 का स्क्वायर करोगे, फिर 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 आएगा, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 100 है तो यहाँ 81 तक ही हम जाएंगे। नेक्स्ट b इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो b के अंदर आपके पास इवन नेचुरल नंबर आने वाले, मतलब 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, अप टू सो ऑन। वट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। देखो बी में इवन नंबर है, ए में ये नंबर, तो ए और बी में जो इवन नंबर होंगे, जैसे 4 हो गया, दोनों में कॉमन है, ठीक है, आगे जैसे इसमें 16 है तो इसमें भी कहीं ना 16 आएगा, वो नंबर हो गया, ठीक है, तो 4 इसमें आएगा, 16 भी आएगा, 36 भी आएगा, 64 भी आएगा, क्योंकि यही इवन नंबर इसके अंदर है, और इवन नंबर इसमें भी आएंगे बी में, तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन आने वाले हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, द नंबर 292 इन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी सिस्टम, क्या बात है, 292 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 292 को, पहले 2 से डिवाइड पे गया, 1 पे गया, फिर 4 पे गया, 8 आएगा और फिर 6 पे गया, तो 146 पे पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा भाग हो गया, तो रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ 0 लिखो, तो मतलब इसकी ये जो डिजिट है वो 0 आने वाली है, तो बी ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 7 पे गया और 3 पे 73 पे गया, रिमाइंडर बचा क्या 0, तो ये अगेन फिर 0 आएगा, यहाँ देखो 1 आ रहा है, उसके बाद इसका मतलब ए आंसर भी नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो पहले 3 पे गया, 3 दूनी 6, फिर 12 पे गया, मतलब
36 गुना बेहतर होता है, रिमाइंडर वन बचेगा, उसके बाद आपका वन आएगा। लेकिन यहाँ देखो जीरो आ रहा है, इसका मतलब डी भी आंसर नहीं है। इसमें देखो वन आ रहा है तो इसका मतलब सी आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। और याद रखना ये जो नंबर आता है ना वो पीछे से देखते हैं, यहाँ से आगे से चेक मत करने लग जाना। तो जीरो आया तो वो पीछे से चेक करना है। तो 001 देख लो सिर्फ और सिर्फ सी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है भाई, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तो यूज करो। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन। एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0। तो इस एल सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 0। कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन डी, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना आसान। अब कई बच्चे इसमें एम्प्टी लगा के आ जाते हैं कि ये सर एक्स की वैल्यू तो 0 आई है, एक्स की वैल्यू तो कुछ नहीं आई। अरे मेरे भाई 0 भी तो एक नंबर होता है या नहीं होता, होता है ना, होल नंबर होता है ना 0। तो इसका मतलब ए में एक एलिमेंट तो आएगा ना वो 0, तो ये सेट बन गया, एक सिंगलटन सेट बन गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 153, मतलब 150 से लेके 153 नंबर क्वेश्चन तक का आपको आंसर देना है, ठीक है। ये कहता है कि इनिशिएटिव 3 डेली न्यूज़पेपर ए बी सी आर पब्लिश्ड, 42% रीड ए न्यूज़पेपर, मतलब जो भी आपके पास जितने भी बंदे हैं उनमें से 42% बंदे आपके ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए न्यूज़पेपर अपने को दे रखा है 42%, बी न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, बी अपने को दे रखा है 51%, सी न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, सी वाले बंदे हैं 68% बंदे सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 30% ऐसे हैं जो ए एंड बी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ए एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कितना आएगा 30%। आगे दे रखा है बी एंड सी, बी एंड सी के लिए 28% दे रखा है, और ए एंड सी, ए और एंड सी के लिए 36% दे रखा है, ये देख लो। और 8% ऐसे हैं डू नॉट रीड एनी ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, 8% लोग तो बिल्कुल निठल्ले हैं भाई, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते। अब 8% लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टोटल होता है हमारे पास 100%। 100 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा मतलब 92% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 92%। तो 92% लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ते हैं या बी पढ़ते हैं या सी पढ़ते हैं, हो सकता है दोनों पढ़ते हैं, हो सकता है इसमें तीनों पढ़ते हो। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु रीड ऑल द थ्री पेपर, मतलब वो पर्सन बताने हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो गाइस हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी का, क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस में बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है अपने को गिवन 92, ए के अंदर कितने अपने को गिवन देख लो, ए के अंदर 42, 51 है और ये 68 है, ये आएगा 42, 51 है और ये 68 है, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी अपने को गिवन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अपने को कितना गिवन है 30% और ये 28% और ये 36%, तो ये आएगा 30% माइनस में ये 28% माइनस में 36% और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी। इसको गाइस अब सोल्व कर लो यार, इसको सोल्व करोगे ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास आ जाएगा 25। तो मतलब 25% ऐसे लोग हैं जो दोनों तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली टू पेपर, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़पेपर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम क्या कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है, क्या कह रहे हैं बड़ा ही सिंपल है, कैसे वेन डायग्राम बना के अगर मैं इसका देखूं तो ये ए वाला आ गया पोर्शन, ये वी वाला पोर्शन आ गया और ये सी वाला पोर्शन आ गया, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, इसमें 25 हमने निकाल लिया। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, पूरा ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है,
लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 30 दिया हुआ है, 25 इसमें आ गया तो 5 यहाँ रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूँ, 36 दिया हुआ है, 25 इसमें आ गया तो 11 यहाँ रह गया। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो 28 दिया हुआ है, 25 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 3 रह गया। ठीक है यहाँ तक, यही आएगा, क्या बोलते हो? यही आने वाला है भाई? तो एक बार क्रॉस चेक और कर लो। सॉरी, यहाँ पे कितना है, एक मिनट रुको, 30% है, 36% है और 28% है, तो ये 3 हो गया और ये अपना हो गया 11 और ये अपना हो गया 5। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा था अपने से, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओनली टू वाला पूछा था। तो देखो, 5 ऐसे पर्सन हैं जो ओनली टू, सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो ए और बी, और 3 ऐसे हैं जो सिर्फ दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बी और सी, 11 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ए और सी, तो इनको ऐड कर दो, 5 + 3 + 11, तो कितना आया, 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 19%, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। तो देखो, ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ाना है, तो देखो मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे, उनको ऐड कर देना है। ए के सर्कल में टोटल 42 है, तो 42 में से देखो 25 और 5 30 और 11, 30 और 11 41 तो इसमें आ गए, तो इसका मतलब एक यहाँ पे आएगा, तब टोटल देखो ए के सर्कल में 42 हो गए। सिमिलरली 33 तो बी के सर्कल में आ गए, और बी में कितने थे, टोटल 51 थे, तो इसका मतलब यहाँ बचे 51 माइनस में 33। सिमिलरली सी के सर्कल में टोटल कितने थे, 68%, और इसमें से आ कितने गए, 25 और 11 36 और 3 39 आ गए, तो 68 माइनस में 39 कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है जितना आएगा, इसको प्लस में इसको प्लस में इसको ऐड कर दो, तो वो ओनली वन वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रीड ओनली ए बट नॉट नाइदर बी नो नाइदर सी। तो यहाँ देख लो, यहाँ इस सर्कल में देखो, ये 1% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए के सर्कल में है, ना ही तो बी के सर्कल में है, ना ही सी के सर्कल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1%, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था। चार देख लो, चार पार्ट आए, 2 3 4 5, मतलब 10 नंबर का है भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 156 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है 2 लोग एट 2, बेस कितना, 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय लोग 8, माइनस में यह है 1/3, यह है लोग 9, बेस कितना है इसका 3, तो मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ लोग 3। यहाँ आया देखो, ये 2 लोग 2 डिवाइड, 8 को हम लिख सकते हैं लोग 2 की क्यूब लिख सकते हैं, तो पावर आगे आ जाएगी 3 आगे आ जाएगा, माइनस में ये 1/3, मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर आगे आ जाएगी 2 आगे आ जाएगा, डिवाइड बाय लोग 3, लोग 2 से लोग 2 कैंसिल, लोग 3 से लोग 3 कैंसिल, यह आया 2/3 माइनस में 2/3, तो यह आया 0, ऑप्शन नंबर ए आ गया। और ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं गाइस, प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले की वीडियो में भी ये सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 155, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, देन ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब कि ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दो। पहले 0 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 0,1 आएगा, फिर 0 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 0,0 आएगा, फिर 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1,1 आएगा, फिर इस 1 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1,0 आएगा, तो ये 4 एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी मेरे पास ये रिजल्ट आने वाला है, तो ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या, डी, तो फिर डी आंसर होगा। ठीक है, आप करके देख लो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए निकाल के देख लो, ए क्या है, 0,1 क्रॉस 0,1, तो
तो देख लो इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, 0,0 आएगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर 0,1 आएगा, फिर 1,0 आएगा, और ये भी आपका 1,1 आएगा, और ये देख लो आपका इसी के साथ मैच हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 156 नंबर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ए और बी अगर दो सेट है और इनके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कॉमन है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो वो आपका एन स्क्वायर रहेगा। सेम क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, आ चुका है गाइस। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, ए और बी अगर दो सेट है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, देखो गाइस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे मेरे भाई, किसके साथ, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो ए ही आता है, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए पूरा का पूरा ए भी आएगा और पूरा का पूरा बी भी आएगा। तो अगर मैं इन दोनों में अगर कोई कॉमन चीज देखूं इस सेट में और इस सेट में, तो वो ए दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए आएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलेशन हैज द सेम फादर एज द सेट ऑफ चिल्ड्रन, देखो सेम फादर, मैंने बोला था सेम फादर, सेम यूनिवर्सिटी, सेम डेट, जब भी ये जो रिलेशन होता है ना, वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट। एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, ए रिलेशन ए हैज द सेम फादर एज ए और चिल्ड्रन, ठीक है, हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज बाइनरी सिस्टम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, 1011 है तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन दोनों के प्रोडक्ट करोगे 1 आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट करोगे 2 आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, इनकी 8 आएगा, ऐड करोगे तो 11 आएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन, डेसिमल है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो पहले 57 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर 0.375 का बाद में इलाज करेंगे, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा, पहले जाएगा 2 पे 4 आया, फिर जाएगा 8 पे, 28 दूनी 56 होता है, लेकिन यहाँ 57 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 पे गया पूरा का पूरा, 14 दूनी 28 तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, फिर 2 से गया 7 आएगा, रिमाइंडर फिर 0 बचेगा, तो मतलब आंसर में 100 आएगा, यहाँ देखो 100 इस ऑप्शन में है, यहाँ देखो यहाँ है 110, तो इसका मतलब सी आंसर नहीं है, यहाँ है 111 इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है, यहाँ है 110 इसका मतलब डी भी आंसर नहीं है, आंसर में आएगा 100, तो मतलब 100 इस ए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हम यूज़ कर लेंगे मेरे भाई, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 161 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें किया है पहले भी, ओके डन, और मुझे आंसर भी याद है इसका, वाई की वैल्यू 9 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि पी एक सेट है देन रिलेशन पी ऑन सेट इज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है आर, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव कब होगा अगर ए के हर पी के हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में हो, तो देखो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, तो इसका मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, बी ऑप्शन में कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो बी को तो डिलीट मारो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होता है, अगर 1, मतलब ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, यहाँ देखो 1 2 है तो 2 1 भी है चलेगा भाई, 1 3 है तो इसमें 3 1 है क्या, कहीं भी 1 3 दे रखा है लेकिन 3 1 नहीं दे रखा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक रहेगा, तो सी ऑप्शन में कहता है सिमेट्रिक है तो सी को भी डिलीट मारो। उसके बाद ट्रांजिस्टिव चेक करोगे तो वो ट्रांजिस्टिव भी होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इफ नोन एम्प्टी सेट ए कंटेन एन एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स। अगर ए जो सेट है उसमें एन एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में हमेशा एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर एक्स इज लेस देन 3। तो इसका मतलब ए के अंदर आने वाला है 0, 1, 2, 3 एलिमेंट आने वाले हैं क्योंकि होल नंबर जो 3 से छोटे हैं वो 0, 1, 2 होता है। सेट बी एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2, 3 और लेस देन 4 मतलब 4 से छोटी मतलब 2 ही नंबर आएंगे एक्स की वैल्यू 2 और 3 आएगी। उसके बाद सी अपने को दे रखा है क्या 3, 4 देन हाउ मैनी एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो अगर ए यूनियन बी करूंगा तो ए यूनियन बी में क्या आएगा 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा। ये 4 एलिमेंट आए तो इसमें 4 एलिमेंट हो गए मल्टीप्लाई में सी है तो सी में कितने एलिमेंट है 2 4 गुना में 2 कितना 8। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास टोटल 8 एलिमेंट आने वाले हैं। बी आंसर कल सही हो गया। ठीक है नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। ये क्वेश्चन पता नहीं यूपीएससी वालों को इससे प्यार है मोहब्बत है पूरी की पूरी। एफ ऑफ एक्स की रेंज बतानी है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं मॉडुलस दिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब 0 से बड़ी है एक्स की वैल्यू या 0 से छोटी है। जब एक्स 0 से बड़ा रहेगा तो यह मोड एक्स की वैल्यू प्लस की लेंगे तो एक्स डिवाइड बाई एक्स 0 से छोटा रहेगा तो माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो यह है माइनस का 1 ये 1 तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कोई मर्जी वैल्यू ले लो आंसर तो 1 ही आने वाला है फंक्शन का। 0 से छोटी कोई मर्जी वैल्यू ले लो आंसर -1 आने वाला है तो आंसर 1 और -1 ही आने वाला है तो सी आंसर हो गया इसकी रेंज यही रहेगी। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 45। तो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 45 को। ठीक है तो पहले जाएगा 22 दूनी 44 रिमाइंडर बचेगा 1 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 रिमाइंडर बचेगा 0 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 पे जाएगा रिमाइंडर बचेगा 1। तो मतलब लास्ट में आया लास्ट में आपको देखना है 101 किस में है। यहाँ है 110 ए आंसर नहीं है यहाँ 010 है बी आंसर नहीं है यहाँ है 101 ठीक है यहाँ भी 101 तो इसका मतलब सी और डी में से आंसर है। अगेन डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 1 एकम 1 मतलब 2 एकम 2 हो गया रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये रिजल्ट रहने वाला है 101101। तो देख लो ये किस में है ऑप्शन नंबर डी में है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट 167 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इफ डी इज द नंबर ऑफ डिग्री कंटेंड इन एंगल ठीक है एम इज द नंबर ऑफ मिनट्स एस इज द नंबर ऑफ सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ एस माइनस एम डिवाइड बाय एस माइनस एम डिवाइड बाय एम माइनस में डी इसकी वैल्यू बतानी है भैया क्या होगी। देखो गाइस एस अपने को सेकेंड दे रखा है और एम किसको डिनोट करता है मिनट को। मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं इसको लिख सकता हूँ 60 सेकेंड एम मतलब मिनट मिनट मतलब 60 सेकेंड और इसको मैं फिर से 60 सेकेंड में लिख सकता हूँ तो ये 60 सेकेंड हो गया माइनस में डी मतलब डिग्री नंबर ऑफ डिग्री। अब देखो डिग्री है तो 1 डिग्री मतलब इसमें वो हो गया 60 मिनट और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री मतलब डिग्री में 360 सेकेंड होते हैं तो मैं इसको लिख दूंगा 3600 होते हैं सॉरी सेकेंड। ठीक है 1 डिग्री में 60 मिनट हो गई और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे 60 × 60 तो ये हो जाएगा 3600 तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो गाइस रिजल्ट आ जाएगा क्या बोलते हो एस माइनस में 60 है 60s तो माइनस में 59s डिवाइड बाय यहाँ पे से इसमें से 60 कॉमन ले लोगे आप 60s कॉमन लेगो तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस में 60 बचेगा तो माइनस में 59s आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/60 बचेगा आंसर।
ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 168 से 173 तक का आंसर बताना है फॉर नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन इकट्ठे भाई। देखो ये कहता है इन स्टेट विद अ पॉपुलेशन ऑफ 72 × 10⁶, एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन इतनी है भाई, ठीक है, कितना टोटल पॉपुलेशन अपने को दे रखी है, पॉपुलेशन 75 × 10⁶। उसके बाद कहता है कि 45% देम नो हिंदी, हिंदी जो है जितनी ये पॉपुलेशन है ना, इस पॉपुलेशन का 45% लोग जो है ना वो हिंदी जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ एच से डिनोट कर लेता हूँ कितने, 45%। इंग्लिश कितने जानते हैं, 22%। ई से डिनोट कर लेते हैं 22% लोग इंग्लिश जानते हैं। 18% ऐसे हैं जो संस्कृत जानते हैं, तो मैं इसको एस से डिनोट कर लेता हूँ 18% लोग। 12% ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानते हैं, वो है 12% लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश एंड संस्कृत की, तो इंग्लिश एंड संस्कृत आपके टोटल 8% लोग जानते हैं, और 10% लोग जानते हैं हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी और संस्कृत 10% लोग जानते हैं, और 5% जानते हैं सभी लैंग्वेज, मतलब एच इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई जो है वो अपने को 5% दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट नो एनी अबव द 3 लैंग्वेज, मतलब आपको बताना है कि टोटल सिटी में ऐसे कितने पर्सन होंगे जो कोई भी लैंग्वेज आपके नहीं जानते हो। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन वो निकाल लेते हैं जो या हिंदी इंग्लिश या संस्कृत तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानते हो। तो उसका यूनियन, मतलब यूनियन निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में मतलब बी और प्लस में सी, फिर वही माइनस में इंटरसेक्शन आएगा, पहले हिंदी इंग्लिश, फिर माइनस में इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत, माइनस में हिंदी इंटरसेक्शन संस्कृत, और प्लस में आ जाएगा इंटरसेक्शन इन तीनों का। अब ये तो मुझे फाइंड करना है एच, एच कितना दिया हुआ है 45%, तो 45 प्लस में 22 प्लस में 18, फिर माइनस में 12, माइनस में 8, माइनस में 10 और प्लस में 5। तो ये देखो गाइज, अगर मैं इनको ऐड करूँगा 20 हो गया, ये माइनस में 30 हो गया, और 22 में से अगर माइनस का 30 करोगे माइनस का 8 आएगा, और 18 में जब माइनस का 8 करोगे तो 10 आएगा। तो बच्चा 45 प्लस में 10, 55 प्लस में 5, मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानते हैं। तो पीछे बचे कितने, 60% लोग जानते हैं कुछ ना कुछ, तो मतलब 40% ऐसे लोग हैं जो कोई लैंग्वेज नहीं जानते। तो इसका मतलब टोटल है 75 × 10⁶, इसका 40% निकाल लो, डिवाइड बाय ये कर दो, ठीक है। तो एक जीरो से ये कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करोगे यहाँ 5 आएगा, और इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं 75, ये 300 आएगा, 300 × 10⁵, तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 10⁷, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसने बोला 69 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल नो हु नो ओनली हिंदी, ऐसे कितने स्टूडेंट मतलब पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम से कर लो गाइस, देखो कैसे करोगे, वेन डायग्राम से परसेंटेज वाइज कर लेंगे ना, जैसे वेन डायग्राम निकाल लेते हैं, ये वेन डायग्राम, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये संस्कृत हो गया। कितने ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज जानते हैं, 5%, तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 5%। उसके बाद इंग्लिश और सॉरी इंग्लिश और एच का इंटरसेक्शन कितना है, इंग्लिश और एच का इंटरसेक्शन 12% है, तो 12 में से 5 यहाँ आ गए, तो यहाँ बचेगा 7। फिर इंग्लिश और संस्कृत का कितना है, 8%, तो 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ बचेगा 3। उसके बाद हिंदी और इसका 10%, 5 यहाँ आ गया, तो 5 यहाँ बचेगा। अब टोटल इंग्लिश में कितने हैं, टोटल इंग्लिश में 22 हैं, लेकिन 7 और 5 12 और 3 15, 15 इसमें आ गए, तो 22 में से 15 आप माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे, 7, तो इसका मतलब 7 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली हिंदी के कितने हैं, 45, हिंदी में कितने आ गए, 12 और 17 आ गए, 45 है टोटल, ठीक है, 45 में से 17 माइनस करोगे ये आ जाएगा 28।
और सिमिलरली जब संस्कृत का निकालोगे तो इसमें 5। अब आपसे कितना पूछा है, देखो इसने बोला कि द नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में 28% लोग, तो 75 गुना में 10 की पावर 6 का आप 28% निकाल डालो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे। उसके बाद पीपल नो संस्कृत ओनली, 5% लोग संस्कृत ओनली जानते हैं, तो 75 गुना में 10 की पावर 6 का 5% निकाल डालो, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली मतलब 7%। वट इज द नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली वन लैंग्वेज, जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हो, तो 7%, 7 ये है, 28 प्लस में कितना 5, तो इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे 12 12 और 28, 40, 40% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत, तो 40% निकाल लो। नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली टू लैंग्वेज, जब दो लैंग्वेज की बात आए तो 7 प्लस में 3 प्लस में 5, तो कितना 15% लोग आ जाएंगे, तो फिर इसका 15% निकाल लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो वन बाय वन करके सभी आंसर आपके पास आते जाएंगे, पूरा क्वेश्चन आसान है, 173 नंबर क्वेश्चन तक ये हमारा सोल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, रिपीट हो गया ना, मैंने आपको बताया था कि नल सेट को या तो खाली फाई से डिनोट करते हैं या खाली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्या ये फाई है? नहीं है। क्या ये खाली कर्ली ब्रैकेट है? एक सिंगल ने तीन चार लगा रखी है भाई, ये भी नहीं है, इसमें दो लगा रखी, ये भी नहीं है, तो बच्चा डी, तो डी आंसर है। और आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और तो ये खाली रहेगा। नेक्स्ट, ए, एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 2 है, एक सेट बी है 2,3 और एक सेट सी है 3,4, तो बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी करूंगा तो आएगा 2,3,4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए? 3। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, तो इनकी प्रोडक्ट में कितने आएंगे? 3 दूनी 6, ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, आसान है बिल्कुल। देखो यहाँ पे पहले लोग की प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा लोग एक्स, और जिसका बेस वाई है तो डिवाइड में लोग वाई, मल्टीप्लाई में ये पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, तो ये आएगा लोग वाई, जिसका बेस लोग एक्स है तो डिवाइड में लोग एक्स, इनटू में पावर आगे आ जाएगी 3, तो यह लोग जेड, जिसका बेस जेड है तो डिवाइड में लोग जेड, लोग वाई से लोग वाई कैंसिल, लोग एक्स से लोग एक्स कैंसिल, लोग जेड से लोग जेड कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, तो यह भी आसान है। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन, ए इज ए रिलेशन ऑन सेट आर, ए अपने को रिलेशन दे रखा है फ्रॉम सेट आर टू आर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्ट, आपको बताना है। तो ए रिलेशन है, और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है इन सेट की कार्टिजियन प्रोडक्ट का, तो ए जो है वो सबसेट आएगा आर क्रॉस आर का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन थी गाइस। नेक्स्ट, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, एक सेट सी दे रखा है, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की कार्डिनलिटी पूछी है, मतलब आपको बताना है कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने आएंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं, अब देखो ए क्रॉस बी निकालोगे, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या करूंगा, ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दो, तो 1,2 आएगा, पहले 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, तो फिर 1,3 आया, फिर अमेंड है 2 का 2 के साथ, 2,2 आएगा और इसमें 2,3 आएगा, और जब मैं ए क्रॉस सी करूंगा तो अब ए के हर एलिमेंट की सी के साथ, तो 1,3 आएगा, 1,4 आएगा और 2,3 आएगा और 2,4 आएगा, दोनों में कॉमन कौन से हैं, एक एलिमेंट ये कॉमन है, एक एलिमेंट ये, तो दोनों में सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है, सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने, एन, देन द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए, तो मतलब आपको आर रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू ए टोटल कितने आएंगे, तो 2 की पावर क्या आएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए टू ए बताने हैं, तो इसमें भी एन एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट है, तो दोनों में कितने हो गए, एन का स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी आंसर आ गया, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन ए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इवन प्राइम नंबर अपने को पता है ना 2 होता है, तो इसका मतलब इवन प्राइम नंबर के सेट में एक एलिमेंट तो आएगा ना वो 2, तो इसका मतलब वही नॉन एम्प्टी है, बात खत्म हो गई भाई, खलास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 180 गाइस, तो यहीं तक करते हैं, 180 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने अभी कर लिया इस वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन करेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, और यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देखी है तो भाई आप दिल का दिल से शुक्रिया, एंड कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दें। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।